लाइव स्ट्रीमिंग करनी हो या वीडियोस रिकॉर्ड करने हो, पीसी प्लेटफॉर्म पे सबसे पावरफुल, एफिशिएंट और फ्री सॉफ्टवेयर्स में से एक है ओबीएस स्टूडियो। बहुत सारे भाई लोग हमारे बहुत लंबे टाइम से या तो वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं ओबीएस स्टूडियो का इस्तेमाल करके, या लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। हम लोग स्ट्रीमर डाइजेस्ट पे भी पहले जब हम लोग स्ट्रीम करते थे तो भी ओबीएस पे ही करते थे। अभी जो वीडियोस वगैरह हम लोग शूट करते हैं, जो रिकॉर्ड करते हैं, वो भी ओबीएस को यूज़ करके ही करते हैं। लेकिन बहुत सारे भाई लोगों ने पूछा भी और दे आर सीकिंग आउट कि कोई ऐसी बढ़िया सी सेटिंग्स मिल जाए जिससे कि 1080p या 1080p 60fps पे जो वो लोग वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी सेटिंग्स हो, बिल्कुल फ्लॉलेस रहे, वीडियो स्मूथ रहे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं यही टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी और आपको पसंद आएगी। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी जबरदस्त, जिंदाबाद, हमेशा की तरह। वेलकम टू स्ट्रीमर्स डाइजेस्ट। और सबसे पहले तो एक अपॉलोजी, और अपॉलोजी इस वजह से क्योंकि मुझे नहीं पता है कि क्या ऐसी वजह है कि बहुत सारे भाई लोग हमारे हमारा काम तो अप्रिशिएट करते हैं स्ट्रीमर डाइजेस्ट पे, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा है कि उन लोगों ने वो सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है। तो अगर आप नए हैं चैनल पे, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो वीडियो देखिए, अगर आपको वर्थ इट लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप रिटर्निंग व्यूअर हैं, आप लोग चेकआउट करते रहते हैं हमारे चैनल पे कंटेंट और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट करिए सब्सक्राइब करके। चलते हैं सीधे ओबीएस के इंटरफेस पे और देखते हैं कि क्या चेंजेस हम लोगों को करने हैं जिससे कि हमारी 1080p वाली जो वीडियो है या 1080p 60fps वाली जो वीडियो है वो बेस्ट क्वालिटी में रिकॉर्ड हो। OBS में आने के बाद हम लोग सीधे चलते हैं सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में हम लोगों को जनरल और स्ट्रीम में कुछ नहीं करना है। हम लोग सीधे आएंगे आउटपुट पे और आउटपुट में सिंपल मोड को कर देंगे एडवांस्ड। इसके बाद हम लोग चलते हैं रिकॉर्डिंग में, क्योंकि रिकॉर्डिंग से रिलेटेड पूरा है हिसाब किताब। टाइप को स्टैंडर्ड से कर देंगे कस्टम, जस्ट बिकॉज कि हम लोगों को एक एक चीज़ को खुद कन्फिगर करना है अपने हिसाब से। तो इतना करने के बाद हम लोग ये सब छोड़ रहे हैं, सीधे आते हैं कंटेनर फॉर्मेट पे। और यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन है कि हम लोग रखें इसको MP4, जस्ट बिकॉज MP4 क्वालिटी के हिसाब से ही बढ़िया होता है, साइज़ भी थोड़ा सा कम होता है और क्वालिटी अच्छी होती है। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि MP4 फॉर्मेट जो है उसकी सारी फाइल्स ज़्यादातर वीडियो एडिटर्स के साथ कंपेटेबल होती हैं, आप लोग इजीली उसमें खोल सकते हैं, वीडियो एडिट कर सकते हैं, आसानी रहती है। हम लोग जब स्ट्रीमर डाइजेस्ट पे अलग अलग एक्सटेंशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे फॉर्मेट ऐसे हैं जो कि क्वालिटी तो उनकी अच्छी है लेकिन बहुत सारे वीडियो एडिटर्स में वो कंपेटेबल नहीं है, ओपन नहीं हो रहे हैं। और हम लोगों को फिर लास्ट में ये लगता है कि यार दोबारा सारी की सारी वीडियो जो है उसको एडिट करना पड़ेगा या तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो हम लोगों को फिर दूसरे वीडियो एडिटर्स पे जाना पड़ा, वहाँ पे जाके वीडियो पूरी एडिट करनी पड़ी। तो मेरी अपनी रिकमेंडेशन ये कि यहाँ पे आप लोग MP4 इस्तेमाल करें, बढ़िया फॉर्मेट है। तो इतना करने के बाद हम लोग नीचे आते हैं और अब हम लोग बात करेंगे वीडियो बिट रेट की। वीडियो बिट रेट एक्चुअली एक ऐसी क्वांटिटी है, एक ऐसा नंबर है जिसको अगर आप बढ़ाते हैं तो आपकी जो वीडियो है या आपकी जो स्ट्रीम है 1080p या 1080p 60fps की जो स्ट्रीम है, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं वीडियो की, तो उसकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो इम्प्रूव होती है। मतलब उतने ही रेजोल्यूशन में जो ओवरऑल क्वालिटी है, ओवरऑल डिटेल्स जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आप इसको जितना ऊंचा रखेंगे उतना अच्छी बात है। हम लोग स्ट्रीमर डाइजेस्ट पे इसको रखते हैं 9000 से 10000 के बीच। आप लोग एक काम कर सकते हैं, 9000 रख के देखिए, एक बार रिकॉर्ड करिए, अगर आपको लगता है कि आपकी वीडियो जो है उसमें फ्रेम ड्रॉप्स हो रहे हैं या स्मूथ नहीं है, तो उस केस में आप लोग या तो थोड़ा सा कम कर सकते हैं इस वैल्यू को, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा है, वीडियो चेकआउट करिए कि कैसे आप लोग थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं अपने जो एग्जिस्टिंग PC है उसकी परफॉर्मेंस को, और जो हार्डवेयर रिसोर्सेज हैं उनको स्पेयर करके डाइवर्ट कर सकते हैं OBS में, तो वो वीडियो भी आपकी हेल्प करेगी। तो यहाँ पर मैं रख रहा हूँ फिलहाल 9000, जिस पर हम लोग अक्सर बनाते हैं वीडियो। इतना करने के बाद हम लोग नीचे उतरे तो वीडियो एनकोडर आ रहा है डिफॉल्ट। कभी भी आप अगर OBS ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफॉल्ट एनकोडर होता है, जो आपका CPU है, जो आपका प्रोसेसर है, लिखा भी है डिफॉल्ट एनकोडर। और हम लोग बात करें तो नॉर्मली वीडियो एनकोड करने के लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर आपके पास 4GB या उससे ज़्यादा डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी है आपके PC में, तो इन दैट केस हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे दो अच्छे एनकोडर्स हैं, अगर हम लोग ड्रॉप डाउन मेन्यू खोलें तो। अगर आपके पास AMD का चिप है, AMD से रिलेटेड कोई ग्राफिक्स कार्ड है, तो हम लोग चूज़ करेंगे H264AMF, और या फिर नीचे हम लोग करेंगे जो NVENC है NVIDIA वाले भाई लोगों के लिए, तो आप जो चाहें वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, डिपेंडिंग ऑन कि आपके पास ग्राफिक्स कौन सा है। तो मैं यहाँ पे मैं चूज़ कर रहा हूँ AMF को। और इतना करने के बाद हम लोग ऑडियो बिट रेट 160 रहने देंगे, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है कि जो वीडियोस हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग अपलोड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, और यूट्यूब के हिसाब से जो ऑडियो बिट रेट है, आइडियल ऑडियो बिट रेट 160 kbps ही है, तो आप बढ़ा के कोई फायदा नहीं है, जो यूट्यूब है वो ऑलरेडी उसको अपने आप ही कंप्रेस कर देगा जब आप अपलोड कर रहे होंगे। तो इन दैट केस इतना करने के बाद हम लोग करेंगे अप्लाई, और ऑडियो में यहाँ पे हम लोगों को कुछ नहीं करना है, 160 है 160 रहने देंगे। एक बात ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि 9000 या 10000 अगर आप वीडियो बिट रेट रखते हैं तो आपका जो फाइल साइज़ होगा
वो करीब करीब रफली 1 MB/s के हिसाब से आपकी फाइल बनेगी। मतलब अगर आप ऐसा है कि 20 सेकंड तक अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लिप आपकी 20 सेकंड की है, तो वो 20 MB के आसपास स्पेस लेगी। इतना करने के बाद सिंपल हम लोग आएंगे वीडियो में, और आउटपुट जो रेजोल्यूशन है जिसमें हमारी वीडियो का आउटपुट है, इसको कर देंगे 1080p। अगर आप 30 रखना चाहें यहाँ पे तो 30 रखिए, 60 रखना चाहें तो आप 60 रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। और डाउन स्केल फिल्टर को यहाँ पे लेंथ जूस कर देते हैं, इन केस अगर ऐसा है कि आप लोग डाउन स्केल कर रहे हैं तो। इतना करने के बाद यहाँ पे रखिए 60। नॉर्मली हम लोग भी स्ट्रीमर डाइजेस्ट पे 60 FPS पे ही रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप 60 FPS पे रिकॉर्ड करते हैं तो जो लाइट्स हैं आपके सामने जो सब्जेक्ट को लिट कर रही है, जैसे मेरे को लिट करने वाली जो लाइट है वो काफ़ी ब्राइट होनी चाहिए, क्योंकि 60 FPS पे जो वीडियो रिकॉर्ड होती है उनको नॉर्मल से ज़्यादा लाइट चाहिए होती है एक अच्छी ब्राइट वाइब्रेंट वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। नॉर्मली आप लोग देख रहे होंगे हम लोग काम चलाऊ केवल 2 लाइट्स हैं हमारे पास, उससे काम कर रहे हैं, तो हमारी वीडियोज़ में थोड़ा सा ब्राइटनेस कम होती है। अगर आप 1080p 60 FPS पे कैमरा से शूट कर रहे हैं तो अच्छी लाइटिंग कंडीशन होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इसको 60, अप्लाई करिए, ओके करिए, एंड इट इज़ डन, एज सिंपल एज दैट। तो फाइनली आप लोगों से अपील कि आप लोगों ने वीडियो लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है जो नोटिफिकेशन बेल आइकॉन है, नोटिफिकेशन को कर देंगे ऑल पे, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उस घंटे से ही होना है। जब भी एक यूज़फुल एक हेल्पफुल वीडियो आएगी आप लोगों के लिए तो वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।